25 साल का युवा हमने खोया है, उसको न्याय मिले और उचित मुआवजा उसके परिवार को मिले, ऐसी हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे जिलों में आज जो है वो जिलाधीश के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को, भारत सरकार को एक जो ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप सबके रोष गुस्से को हम सब लोग समझते हैं, और जिस तरह से पूरा हिमाचल पूरा चंबा जल रहा है, जो मौजूदा सरकार है जिस तरह से सारी चीजों को उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट डाइल्यूट किया है, मुझे लगता है हमें ये आज का ज्ञापन जो है वो माननीय गवर्नर साहब को हम जो देने जा रहे हैं उसमें आप सबकी भावनाओं को जो है वो उस ज्ञापन के माध्यम से हमने लिखित तरीके से जो है उसमें कलमबद्ध किया हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम 5-7 प्रमुख लोग जो है वो अंदर ज्ञापन देते हैं, मेरा आपसे ये आग्रह है तब तक किसी तरह की कोई नारेबाजी ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। हमने कॉल किया है कि शांतिपूर्वक तरीके से आज के दिन पूरे जिला सभी जिलों में हिमाचल के शांतिपूर्ण तरीके से हम ये जो ज्ञापन है वो देंगे। इसके बाद जब हमें लगेगा कि 1-2 दिन बाद कि अगर मान लो इसमें इस तरह की कोई वो नहीं होती है तो हम उसमें फिर क्या होना है क्या नहीं होना है शीर्ष नेतृत्व जैसे ही तय करेगा वो हम करेंगे। क्योंकि चंबा हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हमारा आपसी सौहार्द जो है वो बहुत बढ़िया तरीके का है। कुछ एलिमेंट होते हैं सभी धर्मों में जो इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, तो मुझे लगता है हम एक जिम्मेवार दल होने के नाते, जिम्मेवार दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि चंबा जो है वो खामखा की उस आग में ना जले। इसीलिए हम आप लोगों से भी ये दोहात जोड़ करके विनती कह रहे हैं, और हमारा जिला प्रशासन से भी ये निवेदन है कि जो ज्ञापन आज के दिन सौंपा जाएगा उसमें जो है वो हम लोगों को जो है वो उचित न्याय उस परिवार को, उस हमारे बेटे को जो 25 साल का युवा हमने खोया है, उसको न्याय मिले और उचित मुआवजा उसके परिवार को मिले, ऐसी हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। और मेरा ये निवेदन है जब तक हम 2-3 मिनट में अंदर वो करते हैं तब तक हम लोग जो है वो यहाँ पर शांति का दाम देंगे, ऐसा मुझे आपसे कहना है। मेरे साथ जो है वो राजीव भारद्वाज जी, भाई अमित जी, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष, हमारे विधायक डीएस ठाकुर जी, पूर्व के विधायक, और जो हमारे इसके जिला परिषद की चेयरमैन है मैडम, और महामंत्री दोनों, ये हम लोग जाएंगे, भगदड़ ना मचाएं, हमें किसी के साथ किसी तरह की भी हाथापाई या वो करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जिस चीज की जरूरत होगी वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, और हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए पूर्ण अनुशासन में रहते हुए अपनी मर्यादाओं में सब लोग रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मांगे, मुख्य मांगे क्या क्या है जो ज्ञापन के माध्यम से आप? भाई मांगे कुछ नहीं है हमारी, कोई इस तरह का वो नहीं है। जो युवा को हमने खोया हुआ है उसके हत्यारों को फांसी मिले, और अब जिस तरह से वो परिवार, बुजुर्ग परिवार,